स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इज़ माई डाउट में। और आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो लाए हम कि जो नए यूट्यूबर हैं वो कौन कौन से काम करेंगे जिससे अच्छे वीडियोस बने और उनका चैनल कामयाब हो। तो दोस्तों बताना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एज अ डेवलपर जब आप डेवलप करते हैं चैनल को तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। जैसे कि आपको सबसे पहले स्टेप वन जो होगा नए डेवलपर के लिए कि जो कंटेंट होना चाहिए यानी कि कोई भी विषय वस्तु होनी चाहिए यूनिक यानी सबसे अलग। अगर आप अलग कंटेंट लेकर आएंगे तो आपके वीडियोस जो हैं वो काफ़ी अच्छे चलेंगे। और फिर सेकंड है दोस्तों, आपको स्टेप टू में आपको रेगुलर पोस्ट करते रहनी है अपनी वीडियोस। तो यानी कि आपको पोस्ट करना है, जितना ज़्यादा आप पोस्ट करेंगे कंटेंट को आपको कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यूट्यूबर्स के लिए दूसरा स्टेप है जिससे वो और कामयाबी के नज़दीक जा सकते हैं। उसके बाद ये जो जितने भी नए डेवलपर्स हैं वो जो नाम होगा, इसमें स्टेप थ्री है कि जो नाम आपने रखना है अपने चैनल का वो एकदम मैच करना चाहिए आपके कॉन्टेंट के साथ, जिससे कि आप जो अच्छे कंटेंट भी बनाएंगे और आपके सर्च और लाइक भी होंगे। और जो स्टेप फोर है दोस्तों वो ये डेवलपर्स के लिए यही है कि उन्हें कीवर्ड्स का ध्यान रखना है अपने चैनल के अंदर, कौन से कीवर्ड्स जो हैं उन्हें डालने हैं वो कंटेंट के हिसाब से आपको डालने होंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार फिर जो पाँचवा स्टेप है वो यही कहता है कि आपको स्टेप फाइव में अपने जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको जोड़े रखना है, यानी आपको सब्सक्राइबर पर ध्यान देना है कि उनको कंटेंट अच्छा लगे, वो बार बार विजिट करें। ठीक है दोस्तों, उसके साथ फिर अगला स्टेप है कि आप जो है जोड़ सकते हैं नए चैनल्स, यानी अच्छे नए चैनल्स जो हैं आप जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा स्टेप फाइव हो गया है, उसी प्रकार जो है फिर जो स्टेप सिक्स है वो यही कहेगा कि जितने भी जो नए डेवलपर्स हैं उनको दूसरे चैनल से जो कुछ सीखना चाहिए, यानी कि उन्हें गेट नॉलेज। ठीक है, उन्हें नॉलेज मिलेगा अगर आप नए चैनल के नए टॉपिक्स को रोज़ देखेंगे यानी वॉच करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार फिर जो अगला स्टेप है स्टेप सेवन, वो यही है कि जो डेवलपर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए अपने चैनल पर उसकी सुधार के लिए। फिर अगला स्टेप है दोस्तों स्टेप एट, जो डेवलपर्स हैं उनको नए टूल्स पर ध्यान देना होगा, जितने नए टूल्स आए हैं उन्हें तुरंत इस्तेमाल करना जानना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप है स्टेप नाइन। ठीक है दोस्तों, ये जो स्टेप है ये ख़ास है क्योंकि आपको लगातार क्रिएट करते रहना है, तो क्रिएट करने के लिए आपको फीडबैक चाहिएगी, तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। और ये जो लास्ट स्टेप है ये स्टेप टेन, जो आपको सभी यूट्यूबर्स को नई डेवलपमेंट के लिए, वो ये है कि आपको जो है अपने फीडबैक मांगनी है अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, ये फीडबैक आपको और अच्छा करने पर मजबूर करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप थे जिससे आप जो है अपने जो नए डेवलपर्स हैं वो यूट्यूब चैनल जो है वो अच्छा बना सकते हैं और बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। तो जो यूट्यूब पर आप बने रहें और नए टॉपिक्स लेकर आएँ और नया कुछ क्रिएट करें। और तो दोस्तों ये आपका जो फेवरेट चैनल है ईज़ माई डाउट ऐसे टॉपिक्स और भी आपके लिए लाएगा, तो इससे रिलेटेड आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड आप हमसे जुड़े रहिए। और अभी के लिए धन्यवाद।